वेलकम टू कुक शुक विद श्वेता। आज की रेसिपी है प्याज की कचौड़ी, तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मसाला रोस्ट कर लेते हैं। 2 चम्मच धनिया, 1 चम्मच जीरा और 1 चम्मच सौंफ है। भून चुका है, अभी इसको ठंडा होने के लिए रख देते हैं। जार में डाल दिए हैं हम मसालों को, अब ग्राइंड कर लेते हैं इसको। तरदरा हम पीस लिए हैं। चलिए अब हम, पैन गर्म हो चुका है, इसमें हमने 2 चम्मच तेल डाला है, हल्का सा गर्म हो जाते हैं। 2 चम्मच जो मसाला हम भून के तैयार किए हैं वो डालेंगे। हींग है 1/2 चम्मच, क्योंकि किसी भी कचौड़ी में हींग डालना ज्यादा जरूरी होता है। ये हरी मिर्च है, 2 हमने हरी मिर्च लिया है, आप अपने टेस्ट के हिसाब से लीजिएगा। चार से पांच लहसुन की कलियां, हल्दी पाउडर। हल्दी पाउडर आप डाल भी सकते हैं, नहीं भी डाल सकते हैं, ये आपके अपने टेस्ट के हिसाब से है। अमचूर पाउडर है 1 चम्मच, दो बड़े चम्मच बेसन, और इसको पहले हम थोड़ा सा भूनेंगे बेसन और मसाला को एक साथ, और 2 बड़े प्याज हम चॉप कर लिए हैं। इसको मीडियम फ्लेम पे ही 4 से 5 मिनट तक भूनना है, जब तक ये गोल्डन ना हो जाए। सॉरी, हमने लाल मिर्च पाउडर नहीं दिखाया था आपको। ये 1/2 चम्मच हम डाले हैं, क्योंकि मेरे घर में छोटे बच्चे हैं तो हमें बच्चों के हिसाब से बनाना रहता है। 1/2 चम्मच गरम मसाला है, इसको 3 मिनट तक भून लिया। अब इसमें हम 2 आलू डालेंगे। नमक आप अपने स्वाद अनुसार डालिएगा, हम 1/2 चम्मच के करीब लिए हैं। मेरा स्टफिंग तैयार हो चुका है, अब चलिए हम डो बना लेते हैं। 2 कप मैदा ले लिए हैं, इस कप से करीब ग्राम से होगा ये 200 ग्राम। इसमें हम 3 बड़े चम्मच से घी डालेंगे। अजवाइन ले लिए हैं करीब 1/2 चम्मच है, अब इसको हम इडली से रगड़ करके इसमें हम डाल देंगे। अब इसमें हम थोड़ा सा नमक डालेंगे। नमक है थोड़ा सा टेस्ट के हिसाब से। अब इसको हम अच्छे से मोइन कर देंगे। अच्छे से मोइन हो चुका है, अब आप देख सकते हैं हमने 1 कप पानी लिया है। अब देखते हैं कि कितने पानी में ये गुथाता है। डो तैयार हो चुका है मेरा, आप देख सकते हैं। अब इसे हम ढक करके रख देंगे 10 मिनट के लिए।
एक कप पानी लिए थे, उसमें से 2 चम्मच पानी बच गया है मेरा, देख सकते हैं आप। कढ़ाई गर्म हो चुकी है, अब इसमें हम तलने के लिए तेल डाल देंगे। 10 मिनट हो चुके हैं, मेरा डो एकदम अच्छे से तैयार हो गया, एकदम सॉफ्ट हो चुका है। और हाँ, इसे हम थोड़ा टाइट ही गूंथे थे, क्योंकि पहले ही अगर हम थोड़ा सा गीला गूंथेंगे तो बनाने में दिक्कत हो जाएगी। थोड़ा सा सूखा मैदा लगा लिए हैं, अब इसे हम उंगलियों से ऐसे बनाएंगे, फिर इसमें हम अब हम स्टफिंग भर देंगे। इसको उंगलियों के सहारे से ऊपर से फोल्ड करना है। ऐसे ही हम सारे कचौड़ियों को तैयार कर देंगे। इसे हम थोड़ा थोड़ा बेल करके कढ़ाई में डाल देंगे। ऐसे ही एक एक कर हम सारे कचौड़ी को तल लेंगे। मेरी कचौड़ी बनकर के रेडी हो गई है और इसे हम सॉस के साथ सर्व कर रहे हैं। अगर ये मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट, शेयर करें और एक बार आप इसे ज़रूर ट्राई करें। थैंक यू। आप देख सकते हैं अंदर से भी बहुत ही अच्छा दिख रहा है।